बहनों भाइयों नमस्कार, मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, मेरे पास अगर दिन भर में 100 फोन आए तो 100 फोन में 40 फोन इस तरह के होते हैं कि जो मुझसे ये कहते हैं कि गुरुजी मेरे दुकान को बांध दिया गया है, मेरे व्यापार को बांध दिया गया है। एक समय था मेरा व्यापार इतना तीव्रता से चलता था, इतना अच्छे से चलता था कि हम लोगों को फुर्सत नहीं रहा करती थी बात करने की, लेकिन गुरुजी अब तो बस सिर्फ मक्खी मारा करते हैं, कोई व्यापार नहीं है। ऐसा होता भी है, किसी की कुदृष्टि आपके व्यापार पर पड़ जाए तो ये समाज का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं समाज में, जो किसी की तरक्की देखना नहीं चाहते। उनको अगर किसी की तरक्की देखते हैं तो हृदय में डाह पैदा होती है, और फिर अगर वो उस दृष्टि से आपके व्यापार को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार पर, आपके रोजगार पर पड़ता है। और कहीं जन्म कुंडली में आपकी स्थिति चंद्रमा की कमजोर है, यानी चंद्र राहु का योग है, चंद्र शनि का योग है, इस तरह का योग भी अगर आपकी जन्म कुंडली में है या चंद्रमा कहीं से पीड़ित है तो आपके ऊपर उसका असर जो भी पड़ेगा वो और गहरा पड़ेगा, अर्थात आपके कार्य व्यवसाय को और आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को इस तरह की स्थितियों में नुकसान होना स्वाभाविक होता है। नवरात्र आने वाली है, 6 तारीख से नवरात्र है, और ये जो मैं बड़ा सटीक प्रयोग बता रहा हूं बहनों भाइयों, इस प्रयोग को कर लोगे तो मैं दावा करता हूं कि चाहे कितनी बड़ी बाधा आपके व्यापार स्थल पर, आपके रोजगार स्थल पर अगर है तो बहनों भाइयों निश्चित तौर पे दूर हो जाएगी। 9 दिन रेगुलर अगर आप इसको कर लेते हैं, वैसे मैं तो सलाह दूंगा कि इसको आप करते ही रहिए, अपनी दुकान खोलने के समय ये कर लीजिए, और उसके बाद आप निर्द्वंद होकर के दुकान पे बैठिए, देखिएगा ये जो बाधा आप महसूस कर रहे होते हैं पहले वो खत्म हो चुकी होती, आपका व्यापार पुनः रफ्तार पकड़ता है और आपकी धनागम की स्थिति अच्छी होती चली जाती। बहनों भाइयों, एक कटोरी में पीली सरसों लेनी, उपाय को ध्यान से सुनिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। एक कटोरी में पीली सरसों लेनी है, उसमें सूती कलावे के 1-2 जो गड्डियां होती हैं वो रख लेना है, थोड़े से पीले अक्षत भी रख लेने हैं, और कुछ द्रव्य रख लेना है, कुछ दक्षिणा रख लेनी है, और वो दक्षिणा प्रतिदिन इसी तरह से रखते हुए करना है। एक तरीके से आपका दान भी निकलता जाएगा और फिर बाद में वो जो दक्षिणा है किसी को दे करके धर्म काम में आप लगा सकते हैं। तो बहनों भाइयों, वो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, इससे आपकी दुकान की सारी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी। दोनों उस कटोरी को हाथ में ले लेना है और हाथ में ले करके जो आपने दुकान में पूजा स्थल बनाया हुआ है उसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती और जो प्रारंभिक आप पूजन करते हैं वो तो करिए, और उसके बाद उस कटोरी को हाथ में ले लीजिए और पढ़िए, ओम गणाधिपम नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम विष्णुम रुद्रम श्रियम देवीम वंदे भक्त्या सरस्वतीम स्थानाधिपम नमस्कृत्य नमस्कृहनाथम निशाकरम धरणी गर्भ संभूतम शशिपुत्रम बृहस्पतिम दैत्याचारम नमस्कृत्य
सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य व्यापारं व्यापार प्रारंभे विशेषता सक्राद्या देवता सर्वाः मुनिश्चैव तपोधनां गर्गं मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमं वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलं व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्त्र विशारदं विद्याधिका ए मुनय आचार्यस्य तपोधना तान सर्वान प्रणमाम्येवं व्यापार रक्षा करान सदा। और उसके बाद उस पीली सरसों को पूर्व दिशा की तरफ चार दाने फेंक दीजिए, पूर्वे रक्षतु बाराह, आग्नेय दिशा की तरफ पूर्व से चालू करिए और यूं घूमते चले जाइए, पूर्व दिशा की तरफ फिर फेंकिए, पूर्वे रक्षतु बाराह, आग्नेयम गरुणध्वजः, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे पातु गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपति रक्षेद, ऐश्यानां तु महेश्वरः, ऊर्ध्वं गोवर्धनो, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेद या अधो अनंत तथैव च, नीचे की तरफ फेंकिए, एवं दस दिशो, इसके बाद चारों तरफ पीली सरसों फेंक दीजिए, एवं दस दिशो रक्षेद वासुदेवो जनार्दनः। पीली सरसों जो फेंकनी है तो दो चार चार दाने करके फेंकना है, बाकी बचा के रखनी है। रक्षाहीनम तोतस्थानम रक्षत विशो महाद्रिधृक यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाशित्र सर्वदा, स्थानम त्यक्त्वा तुत्त सर्वम यत्रस्थम तत्र गच्छन्तु अपक्रामन्तु ते भूता, ए भूता भूमि संस्था, ए भूता विघ्नकर्ता रस्ते, नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषां विरोधेन व्यापार कर्म समारंभे। ऐसा कह करके आप वो कटोरी रख दीजिए अपने पूजा स्थल में और रोज इसी तरह का प्रयोग करिए। अभी आपके स्क्रीन पर यही जो स्तोत्र है वो लिख देंगे, नित्य पाठ करें आप उसका और उसका लाभ लें अपने जीवन में। और वो जो कलावा है, जब 9 दिन लगातार आप कर लें तो उस कलावे को करना ये है कि आप अपनी दुकान में ऊपर साइड में कीलें लगा करके ऐसा करिए कि चारों तरफ से बांध दीजिए उसको, और बाकी कलावे को आप अपने हथेली के ऊपर जो कलाई है यहाँ पर बांध लीजिए, जो भी दुकान में बैठते हैं सबको बांध दीजिए, निश्चित इस तरह की बाधा आपकी दूर हो जाएगी। देखिए मैं जो बताता हूँ इसको आप अगर सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ इतना बेहतरीन प्रयोग है कि जब इसको आप करोगे तो देख लेना कि आपका व्यापार किस तरह से तरक्की करता है और आपके व्यापार की सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। बहनों भाइयों आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। वैसे मैं बता दूं कि इस तरह की पीली सरसों हमारे यहाँ अभिमंत्रित भी मिलती है, अगर आप चाहें तो मंगा भी सकते हैं और हम भेज भी देंगे, लेकिन अगर आप स्वयं ये करते हैं तो निश्चित आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ रेगुलर आप इसको करें अपनी दुकान में, नवरात्र में माता की कृपा आपके ऊपर अनवरत रूप से इस कदर आवे कि पूरा जीवन आपका प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाए, आनंद से परिपूर्ण हो जाए, प्रगति से परिपूर्ण हो जाए, आप सुखी हों, समृद्ध हों, सात्विकता आपके अंदर आवे, सद्बुद्धि आवे। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता की।